रेती के ऊपर छानी जा रही है। आपको पता है प्लास्टर के अंदर फाइन सैंड इस्तेमाल करते हैं जो छनी भी रेती होती है। तो ये देखो, ये छानने का तरीका आप देख लो, ये सीव है। ये देखो, ये छनी है। इसमें जमा करने के लिए आपको बताया कि जो है मार्कर जो है बताया कि जो प्लास्टर होता है वो देखो, मैंने तुम्हें एक बार शुरू में बताई थी जब हम ये सामने केमिकल वाली बिल्डिंग में जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा छान लोगे, बिल्कुल आटे की तरह बारीक कर दोगे तो उस रेती में जान नहीं होती, प्लास्टर में जान नहीं होती। इसलिए थोड़ी दानेदार रेती होनी चाहिए, दानेदार। ये दानेदार क्या होता है यार, दानेदार क्या होता है? देखो, मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि तुम लोगों को समझाने के लिए जो आपकी आम ज़िंदगी में मिसालें हैं ना, मैं उसमें उसको सामने करूं। एक चूरा चाय होती है और एक होती है दानेदार चाय। दानेदार चाय में क्या होता है, छोटे छोटे आपने देखा होगा दाने, हल्के हल्के बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं, और जो चूरा होते हैं वो लीफ लीफ होता है। जैसे सर, रेती दो किस्म की आती है, दानेदार रेती अलग आती है ना। हाँ, छानोगे बहुत ज़्यादा, अगर छानोगे बहुत ज़्यादा बारीक कर दोगे तो वो सही नहीं होता। ठीक है जी, अच्छा।